good morning students i am pratima bhardwaj so today we will continue the genetic counseling so next topic of genetic counseling is the process of genetic counseling okay so we will see what are the process of genetic counseling so first point is the first step in genetic counseling is to ascertain what question the consultant is really asking the consultant may in fact be seeking very specific. Advice including counseling to deal with guilt and anxiety because genetic counselling is a process of communication, several aspects of information transfer must be considered. So, what is happening in this point? The first step in genetic counseling is to ascertain what question the consultant is really asking. Okay means the consultant hai. वो एक्चुअली में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है पेशेंट से फैमिली मेम्बर से वो पेशेंट और फैमिली मेम्बर को अच्छे से समझाना है कंसल्टेंट के थ्रू और उसका सही सही एग्जैक्ट जवाब देना है पेशेंट के थ्रू कंसल्टेंट को ठीक है द कंसल्टेंट में इनफैक्ट भी सीकिंग वेरी स्पेसिफिक एडवाइस इंक्लूडिंग काउंसलिंग टू डील विथ गिल्ट एंड एनजाइटी ठीक है तो क्या है कंसल्टेंट जो है वो क्या फेस कर सकता है कि जो जेनेटिक कंडीशन है है ना जो पेशेंट या फैमिली मेम्बर्स को जो जेनेटिक कंडीशन है वो क्या हो सकता है उनको उसका गिल्ट हो सकता है उसका एनजाइटी हो सकता है है ना तो इन सब चीज़ों को भी कंसल्टेंट को फेस करना पड़ेगा ठीक है तो इन सब थिंग्स को स्पेसिफाई करके अच्छे से काउंसलिंग और एडवाइस प्रोवाइड करना है पेशेंट या फैमिली मेम्बर्स को ओके देन बिकॉज जेनेटिक काउंसलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सेवरल एस्पेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट भी कंसिडर ठीक है अब क्या है जेनेटिक काउंसलिंग क्या है एक कौन सा प्रोसेस है कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें एक दूसरे से बातचीत करके हम अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं उसके थ्रू कंसल्टेंट क्या करेंगे हमको एडवाइस और काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे राइट तो इसके क्या इसके लिए जो मेन एस्पेक्ट है उसका क्या होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही अच्छे से और जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होना चाहिए ओके देन वन मस्ट असेज द रिस्पेक्ट रिस्पेक्टिविटी बोथ इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंडिविजुअल सीकिंग जेनेटिक काउंसलिंग सम कपल्स मे वॉन्ट टू सीक द जेनेटिक काउंसलिंग एलोंग विद देअर सपोर्टिव रिलेटिव और फ्रेंड्स ठीक है वॉट इज हैपनिंग इन दिस पॉइंट सो वन मस्ट असेज द रिस्पेक्टिविटी ठीक है मीन्स कंसल्टेंट को क्या करना है रिस्पेक्ट के साथ में असस करना है ठीक है किन सब चीज़ों का रिस्पेक्ट करके उसके इमोशनल और इंटेलेक्चुअल दोनों बिहेवियर को देखते हुए रिस्पेक्ट के साथ असेस करना है ओके और जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड करना है इंडिविजुअल को सम कपल यानी कि कुछ कपल क्या चाहते हैं कि उनके जेनेटिक काउंसलिंग के जो जो सेशन है उस सेशन में अपने सपोर्टिव मेंबर्स को फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को किसी को भी जिनसे उनको सपोर्ट मिलता है वैसे लोगों को लेके आना पसंद करते हैं ठीक है देन हाउ मच इंफॉर्मेशन शुड बी कन्वेड टू दोस सीकिंग जेनेटिक काउंसलिंग एंड व्हाट एंड एट व्हाट लेवल ठीक है क्या होना चाहिए और हाउ मच इन्फॉर्मेशन शुड भी कन्वेड मतलब कितना इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे करना चाहिए जो जेनेटिक काउंसलिंग है उससे रिलेटेड जो जेनेटिक कंडीशन है उससे रिलेटेड और उसका लेवल क्या होना चाहिए ठीक है देन द इंफॉर्मेशन मस्ट बी कन्वेड इन लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई द कंसल्टेंट ठीक है जो इन्फॉमेसन है पेशेंट और रिलेटिव या इंडिविजुअल के थ्रू जो शेयर किया जा रहा है, है ना उस इंफॉर्मेशन को ऐसे लैंग्वेज में होना चाहिए जिससे कंसल्टेंट जो है वो ईजिली समझ सके ठीक है तो उसके नॉन लैंग्वेज में होना चाहिए देन फ्रेंकनेस एंड ऑनेस्टी आर द बेस्ट वे टू प्रेजेंट सच इन्फॉर्मेशन ठीक है क्या बोल रहे हैं फ्रेंकनेस और ऑनेस्टी ठीक है मतलब ऑनेस्टली और फ्रेंक हो के अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करना है कंसल्टेंट को कन्वे करना है ठीक है तो फ्रेंक होना ही एक और ऑनेस्टली ही क्या है ऑनेस्टी ही सबसे बेस्ट वे है एक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का ठीक है देन इट इज रिजनेबल टू सेल कंसल्टेंट अबाउट द वेरियस कॉम्प्लिकेशन दैट कैन अकर विद द डिसीज इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक प्रोग्नोसिस बिकॉज रिप्रोडक्टिव डिसीजन मे बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन ठीक है सो वॉट इज हैपनिंग इन दिस पॉइंट इट इज रिजनेबल टू सेल कंसल्टेंट अबाउट द वेरियस कॉम्प्लिकेशन ठीक है कंसल्टेंट मतलब ऐसे कंसल्टेंट के पास जाना है जिसका जो मेन रीज़न जो है वो मतलब कंसल्टेंट को उसका जो मेन रीज़न है वो पता होना चाहिए ठीक है और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी पता होना चाहिए और जो डिसीज़ कंडीशन है उससे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उसका ट्रीटमेंट क्या होगा उसके फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं ट्रीटमेंट में उसका प्रोग्नोसिस क्या होगा मतलब धीरे धीरे वो किस लेवल तक के कितना ठीक हो पाएंगे है ना इन सब चीज़ों का क्या होना चाहिए नॉलेज होना चाहिए कंसल्टेंट को क्यों उसके बेसिस पे ही वो अपना रिप्रोडक्टिव डिसीजन लेते हैं ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन है ना और ये सारे इंफॉर्मेशन जो हैं वो कन्वे करना है इंडिविजुअल को कंसल्टेंट के थ्रू ठीक है ताकि वो अपना रिप्रोडक्टिव डिसीजन ले सकें कि आगे जनरेशन पास करना है या नहीं ठीक है

जिससे क्या होता है दैट कन्वेज सेंसिटिविटी टू द पेशेंट सरकमस्टेंसिस है ना जो पेशेंट का सरकमस्टेंसिस है और जिसके जो कॉम्प्रीहेंशन का जो लेवल है है ना जो उनका सेंसिटिविटी लेवल है सेंसिटिविटी जो पेशेंट का जो सेंसिटिविटी एक्टिविटी uh, है या फिर उनका लेवल है उनको मतलब समझने का तरीका कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं कुछ लोग नहीं होते कुछ लोग अंडरस्टैंडिंग होते हैं है ना तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अच्छे मैनर में काउंसलिंग जो है वो डिलीवर करना है ठीक है कन्वे करना है देन वर्बल काउंसलिंग शुड बी फॉलोड अप अ लेटर रिटर्न इन लैंग्वेज द कंसल्टेंट कैन अंडरस्टैंड एंड शेयर इट विध फिजिशियंस फैमिली फ्रेंड्स एंड एंड टाइम टू टू एडजस्ट द इंफॉर्मेशन ठीक है वॉट इज हैपनिंग क्या बोल रहे इसमें वर्बल काउंसलिंग शुड बी फॉलोड अप बाई अ लेटर ठीक है वर्बल काउंसलिंग जो है वो उसके लिए क्या फॉलो करना चाहिए लेटर ठीक है तो वो लेटर क्या होना चाहिए रिटर्न इन लैंग्वेज द कंसल्टेंट कैन अंडरस्टैंड ठीक है जो कंसल्टेंट है उस लैंग्वेज को समझ सके उस लैंग्वेज में वो लेटर होना चाहिए ठीक है एंड उसको क्या करना है फिजिशियन के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव के साथ शेयर करना है ठीक है और उनका अलाउ होने के बाद ही जो इन्फॉर्मेशन है वो एडजस्ट करना है या कन्वे करना है या आगे पास करना है ठीक है देन जेनेटिक काउंसलिंग शुड नॉट बी डायरेक्टिव ठीक है जेनेटिक काउंसलिंग डायरेक्टिव नहीं होना चाहिए ओके देन द इंफॉर्मेशन शुड बी कन्वेड इन अ नॉन जजमेंटल मैनर दैट इनकरेजेस द कंसल्टेंट टू मेक हिज और हर ओन डिसीजन ठीक है क्या बोल रहा है पहला चीज जरिटी काउंसलिंग क्या होना चाहिए डायरेक्ट नहीं होना चाहिए ठीक है और जो इन्फॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं इंडिविजुअल और फैमिली मेम्बर को वो नॉन जजमेंटल होना चाहिए नॉन जजमेंटल मतलब पेशेंट को क्या करना है जज नहीं करना है कि आपको ये प्रॉब्लम है इसकी वजह से हुआ है मतलब उनको ब्लेम नहीं करना है ठीक है उनके खिलाफ उनको मतलब जज नहीं करना है तो उससे क्या होगा कि कंसल्टेंट जो है वो उनको उनका डिसीजन लेने के लिए इनकरेज कर पाएगा ठीक है देन उनको ऐसा इनकरेज करना है इस महीने में बात करना है नॉन जजमेंटल होके कि वो अपना डिसीजन खुद ले पाए देन Reproductive decision are highly personal ones and should be left to individuals rather than being made by their physician and a counselor. Okay, so क्या बोल रहा है reproductive decision are highly personal ones है ना reproductive decision क्या है एक couple का personal decision है ठीक है और should be left to individual rather than being made by their physician and counselor वो क्या होना चाहिए उस individual और उस physician उसके physician और उसके counselor के बीच ही रहना चाहिए ठीक है उनके बीच ही रहना चाहिए जो जो भी डिसीजन आया है इंडिविजुअल के और जो भी प्रॉब्लम है वो उनके बीच ही होना चाहिए ठीक है जेनेटिक काउंसलर मस्ट बी अट्यून्ड टू सोशल इशूज सच एज फीलिंग ऑफ गिल्ट एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर एंड एबल टू बी सपोर्टिव ही और सी

ठीक है इन सब चीज़ों को साइकोसोशल इशूज को समझते हुए उनको क्या होना चाहिए सपोर्टिव होना चाहिए ही और शी शुड ऑल्सो बी एबल टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल एंड अदर सपोर्ट सर्विसेज ठीक है जो काउंसलर है वो क्या होना चाहिए वो एबल होना चाहिए कि वो सोशल इशूज और सपोर्ट सर्विस और अदर सपोर्ट सर्विस के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर सके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके ओके विच मे बी वेरी हेल्पफुल टू सच जो कि क्या होगा फैमिलीज के लिए जो फैमिलीज सफ़र कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा ठीक है देन इन मोस्ट जेनेटिक क्लिनिक्स काउंसलिंग इज परफॉर्म्ड बाई अ टीम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग द फिजिशियन मेडिकल जेनेटिस्ट एंड स्पेशली ट्रेंड मास्टर्स लेवल्स जेनेटिक काउंसलर सर्टिफाइड बाय द अमेरिकन बोर्ड ऑफ जेनेटिक काउंसलर ठीक है सो वॉट इज हैपनिंग इन मोस्ट जेनेटिक क्लिनिक्स ठीक है काउंसलिंग इज परफॉर्म्ड बाय ए टीम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल क्या होता है मोस्ट ऑफ़ द जेनेटिक क्लिनिक्स में जो काउंसलिंग है वो एक जेनेटिक जो टीम है का टीम है उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है जिसमें कौन कौन होते हैं फिजिशियन मेडिकल जेनेटिस्ट एंड स्पेशली ट्रेंड मास्टर लेवल्स जेनेटिक काउंसलर ठीक है फिजिशियन मेडिकल जेनेटिक्स जेनेटिक काउंसिलर जो कि क्या होने चाहिए अमेरिकन बोर्ड ऑफ जेनेटिक काउंसिलर से सर्टिफाइड होने चाहिए ठीक है नेक्स्ट इज सो वी विल सी द इशूज ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग और जेनेटिक डिसऑर्डर सो लीगल एंड एथिकल इशूज बिफोर considering दिस प्रिंसिपल्स इट इज़ appropriate टू इंक्वायर ब्रीफली अबाउट द moral perspective ऑन which दे रेस्ट ठीक है सो so, क्या क्या issues हो सकते हैं What डिटरमाइंस द गुडनेस ऑफ एन एक्ट ठीक है कि उस जो जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू तो जो एक्ट बता रहे हैं है ना जो भी सोर्सेस या फिर सपोर्टिंग सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उस एक्ट का उसको डिटरमाइन करना है ठीक है उसका गुडनेस क्या है उसका फ़ायदा क्या है ठीक है देन वेदर द पर्सन परफॉर्मिंग इट मेट हिज और हर ड्यूटीज एंड ऑब्लीगेशन्स ठीक है क्या होगा मतलब ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो एक इंडिविजुअल जो जेनेटिक प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं उनके थ्रू ये क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है लीगल और एथिकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखेंगे ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट इज वेदर द पर्सन परफॉर्मिंग इट मेट हिज और हर ड्यूटीज एंड ऑब्लीगेशन्स ठीक है देन

ठीक है ये तीनों ट्रेडिशनल एथिकल थ्योरीज हैं रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली दो थ्री पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है क्या करना है इन तीनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है ठीक है अदर कंटेम्प्रेरी थ्योरीज थे रिएक्ट आउट बियॉन्ड द इंडिविजुअल टू तो इनकॉर्पोरेट द कम्युनिटी एंड द ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्ट ठीक है क्या बोल रहे हैं अदर जो कंटेम्प्रेरी थ्योरीज है, है ना उनसे उनके रिएक्ट से बाहर जाके मतलब उनसे भी ज़्यादा क्या करना है एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअल टू इनकॉर्पोरेट द कम्युनिटी एंड अंडर ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स ठीक है जो इंडिविजुअल का आगे का कम्युनिटी और सोशल का जो क्या है सपोर्टिव सर्विस है कॉन्टेक्स्ट है उन सब बारे में बताना है और जो भी कंटेम्प्रेरी थ्योरीज हैं उन सब के बारे में इन्फॉर्म करना है then respect for autonomy respect for autonomy of the individual is the first principle respect for autonomy self-determination self-rule or self-governance arises from the assertion that individuals are capable of reasoning deciding willing and acting and thus have right to control their own density happening in this point रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल इन द फर्स्ट प्रिंसिपल ठीक है इंडिविजुअल का क्या ऑटोनॉमी को मेंटेन करना है उनका रिस्पेक्ट करना है वही क्या होगा सबसे पहला प्रिंसिपल होगा ठीक है रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी मतलब क्या 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 इंक्लूड करेगा उसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नेंस ठीक है अराइजेस फ्रॉम द अजर्शन दैट इंडिविजुअल्स आर कैपेबल ऑफ रीजनिंग डिसाइडिंग वीलिंग एंड एक्टिंग एंड दर्स हैव राइट टू कंट्रोल देअर ओन डेस्टनी है कि नहीं क्या बोल रहा है कि जो रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी है ना अब ऑटोनॉमी कहाँ से अराइज होता है उनके जो इंडिविजुअल है उसका रीजनिंग कैपेबिलिटी डिसाइड करना उनका खुद का ओन डिसीजन उनका विलिंग यानी कि उनकी मर्जी उनका एक्टिंग और उनके पास क्या है राइट टू कंट्रोल देअर ओन डेस्टिनी है ना अपने लिए वो खुद कंट्रोल कर सकते हैं अपनी किस्मत खुद देख सकते हैं तो जो इंडिविजुअल और फैमिली का जो डिसीजन होगा उनका जो ऑटोनॉमी होगा उसको रिस्पेक्टफुल्ली आगे रिस्पेक्ट के उसको रिस्पेक्ट देते हुए काउंसलिंग प्रोवाइड करना है ठीक है देन बेनिफिशियंस एंड ए नॉन मल नॉन माल एफिशियंस नॉन माल एफिशियंस ओके बेनिफिशियंस एंड नॉन माल एफिशियंस बेनिफिशियंस इज द मैंडेट टू मैक्माइज द बेनिफिट ऑफ वट एवर इंटरवेंशन इज बींग कंसिडर्ड ठीक है क्या बोल रहे हैं जो मैक्म है, बेनिफिट है ना बेनिफिशियंस एंड क्या है बेनिफिशियंस ज अ मैंडेट टू मैक्माइजिट ऑफ वॉट एवर इंटरवेंशन इज बिंग कंसिडर्ड मतलब जो भी इंटरवेंशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी इंटरवेंशन हम अप्लाई कर रहे हैं जो भी इम्प्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए है ना वो क्या होना चाहिए मैक्माइज कितना बेनिफिट होता है उसी को क्या कहते हैं बेनिफिशियंस ठीक है देन नॉन माल अफिशियंस इज अ ड्यूटी टू फर्स्ट फर्स्ट डू नो हार्म देट इज टू The risk, ठीक है? क्या बोल रहे हैं नॉन ड्यूटी टू फर्स्ट है ना अब ड्यूटी टू फर्स्ट क्या है फर्स्ट डू नो हार्म सबसे पहला हमारे ट्रीटमेंट का क्या होना चाहिए कि सबसे पहला क्या करना है हमें कि उससे कोई हार्म ना हो ठीक है दैट इज उसकी वजह से क्या हो सकता है वो क्या है दैट इज टू मिनिमाइज द रिस्क है ना उसकी वजह से क्या होगा जो रिस्क है वो कम होगा फाउंड इन द हिपोक्रेटिक ओथ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ दिस कार्डिनल प्रिंसिपल आउटलाइंस बाई वर्चुअली ऑल कमेंटेटर्स ऑन मेडिकल एथिक्स ठीक है सो वॉट इज हैपनिंग फाउंड इन द हिपोक्रेट्स ओथ ठीक है द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ दिस कार्डिनल प्रिंसिपल्स ठीक है जो जेनेटिक्स से रिलेटेड हिपोक्रेट्स ओथ है उसमें क्या पाया गया कि कंसिड्रेशन ऑफ दिस कार्डिनल प्रिंसिपल जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं है ना हैज हेज़बिन आउटलाइंड बाई वर्चुअली और कमेंट और ऑल कमेंटेटर्स ऑन मेडिकल एथिक्स ठीक है जो जेनेटिक्स रिलेटेड मेडिकल एथिक्स में जो प्रिंसिपल है कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उनको आउटलाइन किया गया है ठीक है और उनको उनका क्या है इम्पोर्टेंस जो है उसका देना है उसको प्रिंसिपल को फॉलो करना है ठीक है जो कि कहाँ है इपोक्रेटिक ओथ में then, sorry, next is when combined with respect for autonomy, upholding those principles require the healthcare providers to describe benefits and risk fully in order to allow the informed decision by the patient. this differs from a more paternalistic approach of recommending particular course of action, even when such an approach may be benign and well-intentioned. क्या बोल रहे हैं वेन कंबाइंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी कम्बाइंड करेंगे किसका रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी का ठीक है मतलब एंड नॉन और रिस्पेक्ट फॉर का कंबाइंड करेंगे अप होल्डिंग दो प्रिंसिपल रिक्वायर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू डिस्क्राइब बेनिफिट्स एंड रिस्क इन ऑर्डर टू अलाउ द इन डिसीजन ठीक है जो पेशेंट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन हो रहा है ना वो उनका डिसीजन लेने में हेल्प करेगा क्या करना है उनके रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी को और बेनिफिशंस और नॉन एनिफिशन को कॉम्बिनेशन जो प्रिंसिपल्स है है ना उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हेल्थ केयर को केयर प्रोवाइड करना है ठीक है जिससे क्या होगा उनको बेनिफिट होगा और जो रिस्क फुल्ली ऑर्डर है वो लेने में क्या होगा डिसीजन लेने के लिए उनको इन्फॉर्म करना है ठीक है जो पेशेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन डिसीजन लिया जाएगा वो इजी होगा ठीक है दिस डिफर्स फ्रॉम अ मोर पेटर्नलिस्टिक अप्रोच ऑफ रिकमेंडिंग पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन इवन व्हेन सच एन अप्रोच मे बी बिनाइन में वेल इंशेंडेड इंटेंसेंड ठीक है तो क्या बोल रहे हैं दिस डिफर फ्रॉम अ मोर पेटनलिस्टिक अप्रोच ठीक है ऑफ रिकमेंडिंग पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन मतलब जो पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन का जरूरत है है ना उसमें क्या होगा अलग अलग पेरेंट्स के हिसाब से मतलब कपल गोल है ये तो अलग अलग पेरेंट्स का अलग अलग क्या होगा डिफरेंट अप्रोचेस होंगे ठीक है इवन व्हेन सच एन अप्रोच मे बी बिनाइन एंड अ वेल इंटेंशनड क्या हो सकता है जो अप्रोच है है ना वो मे बी बिनाइन हो सकता है बिनाइन मतलब क्या होता है कि कहीं से भी नहीं कुछ अपना बस एक जगह स्टेबल है ठीक है और अपने से हो गया ठीक है एंड अ वेल इंटेंशन मतलब उसको इंटेंशनली ठीक है डिसाइड करके अच्छे से इंटेंशनली कर रहे हैं क्लियर है देन नेक्स्ट इज प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी अ जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल इज दैट इंडिविजुअल शुड हैव द राइट टू मेक एंड इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट वट एवर और नॉट अदर थर्ड पार्टीज इम्प्लॉयर्स फैमिली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिसर्चर एंड अदर्स शुड हैव एक्सेस टू मेडिकल इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन अबाउट दैम ठीक है क्या बोल रहे हैं जो इम्प्लॉयर्स है स्पाउसेस है है ना फैमिली हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है रिसर्चर्स हैं है, और अदर्स हैं ठीक है वो क्या कर सकते हैं उनके मेडिकल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं ठीक है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ठीक है बट उनके थ्रू ही ठीक है डॉक्टर के थ्रू या काउंसलर के थ्रू उसको शेयर नहीं करना है ठीक है उनका प्राइवेसी और कॉन्फिडेंसली उनका क्या है राइट right है ठीक है वी ऑल नो राइट टू प्राइवेसी ठीक है तो प्रिंसिपल इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि एक इंडिविजुअल का राइट right है कि वो अपना डिसीजन किसको किसको बताना चाहता है किसको नहीं बताना चाहता ठीक है किसी एक को बताना चाहता है किसी थर्ड पार्टी को बताना चाहता है नहीं चाहता है वो उस पर डिपेंड करता है ठीक है तो राइट टू प्राइवेसी फॉलो करना है देन जस्टिस एंड इक्विटी द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी रिफर्स टू हाउ एन इंडिविजुअल इज ट्रीटेड इन द कंटेक्सट ऑफ रेस्ट ऑफ सोसाइटी आर बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली ठीक है क्या कह रहे हैं जस्टिस एंड इक्विटी मतलब न्याय और बराबर है ना बराबरी तो द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है ना एंड इक्विटी जो प्रिंसिपल है जस्टिस और इक्विटी का वो क्या रिफ़र करता है हाउ एन इंडिविजुअल इज ट्रीटेड इन दंटेक्सट ऑफ रेस्ट ऑफ सोसाइटी एक इंडिविजुअल जो है वो उसको कैसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और बाकी जो सोसाइटी है उसके कंपैरिजन में है ना उनको उनपे कोई कोई उस पर क्या डिफरेंट different, कोई डिफ्रेंशन तो नहीं किया जा रहा है सोसाइटी के बाकी लोगों में और उनमें उनको कोई अलग से तो नहीं ट्रीट कर रहा है है ना इन सब चीजों का ध्यान में रखना है ठीक okay? है आर बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली ओके आर बर्डन्स शेयर्ड ठीक है क्या कह रहे हैं जो बेनिफिट्स हैं वो फेयरली सोसाइटी में सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है ठीक है हो रहा है या नहीं ये चेक करना है दूसरा आर बर्डन शेयर ठीक है जो बर्डन्स हैं उसको शेयर करना है या नहीं करना है इज़ एक्सेस टू मेडिकल केयर सोशल गुड्स एंड पोटेंशियली बेनिफिशियल रिसर्च स्टडीज लिमिटेड टू दोज विथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज और परसिव्ड सोशल वर्थ ठीक है और क्या कह रहे हैं जो मेडिकल केयर सोशल गुड्स हैं और जो पोटेंशियल बेनिफिशियल रिसर्च स्टडी कर रहे हैं ना उनके तक ही एक लिमिट होना चाहिए ठीक है लिमिटेड टू दोज विथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज और परसिव्ड सोशल वर्थ मतलब जिन लोगों की जरूरत है उनके तक ही क्या होना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड होना चाहिए और उनके थ्रू ये सारे काम जो है वो इक्विटी और जस्टिस के साथ करना है ठीक है करना हो चाहिए देन फॉर एग्जाम्पल डिनाइंग एम्प्लॉयमेंट टू अ हेल्दी इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक प्रोजिशन टू फ्यूचर इलनेस इज कम्पैटिबल विद द अनयूजअल अनयूजअल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी इन सच केसेज लीगल एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉयर माइड बी टेकन ठीक है क्या होता है सोसाइटी में क्या करते हैं नहीं इसको जेनेटिक डिसऑर्डर है ये प्रॉब्लम में है ये अजीब है इसको ये डिसीज कंडीशन है तो इसको जॉब नहीं देंगे ठीक है ये सारे प्रॉब्लम्स है ना अभी क्या होते हैं जिनमें ए अटैक हुआ है उनको क्या होता है जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी ठीक है तो गवर्नमेंट ने उनके लिए भी एक नया एक्ट लॉन्च किया ठीक है कि उनको कोई भी जॉब के लिए मना नहीं कर सकता उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको जॉब दिया जाएगा उनके फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसको जज करके या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है उसको जज करके जॉब को नहीं डिनाई करना है ठीक है जॉब के लिए ठीक है तो सबको क्या करना है इक्वल बिहेव करना है उनमें कोई भी पार्शालिटी नहीं करना चाहिए ठीक है देन कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव सोल्यूशन आर अर्जेंटली नीडेड टू डिजोल्व द यूज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन सेटिंग हेल्थ केयर प्रिमिस और कवरेज ठीक है और क्या बोल रहे हैं लेजिस्लेटिव सोल्यूशन मतलब लास्ट पॉइंट में क्या पढ़ा हमने कि वो केस कर सकते हैं ठीक है थीके? अगर ऐसा कोई करता है उन पर कोई डिफ्रेंशिएशन या पार्स करता है तो वो उनपे केस कर सकता है और लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन मतलब कानूनी तौर पे उनका जो प्रॉब्लम है वो जो है वो सॉल्व हो सकता है ठीक है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन सेटिंग हेल्थ केयर और कवरेज ठीक है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूज करके जो कानूनी कार्रवाई है वो करा कर सकते हैं कि हम हमें हमारे ऊपर पार्शलिटी कर रहे हैं या फिर हमें जॉब नहीं दे रहे हैं या हमको अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं है ना तो कानूनी तौर पे केस किया जा सकता है ठीक है देन कंक्लूजन इट मे बी नोटेड दैट मैनी सिचुएशंस में अपेयर ऑन द सर्फेस टू रिप्रजेंट एथिकल डेलिम्स विच कैन बी रिजॉल्व बाई थॉटफुल रीजन डायलॉग बिटवीन पेशेंट फैमिली एंड प्रोवाइडर्स ठीक है क्या बोल रहा है लास्टली कंक्लूजन क्या इट मे बी नोटेड दैट सिचुएशन ठीक है बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है जो नोट किया गया या नोट किया जा सकता है मे अपेयर ऑन द सर्फेस टू रिप्रेजेंट एथिकल जो कि क्या करेंगे क्या अपेयर करेंगे जिसके जिसकी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं एथिकल डलिम्स ठीक है एथिकल इशूज लीगल इशूज इशूस ठीक है बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं विच कैन बी रिजॉल्व बाई थॉटफुल है ना जो कि जो सोशल इशूज़ होते हैं ठीक है उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं थाटफुल और रीजन डायलॉग बिटवीन पेशेंट है ना मतलब एक बहुत अच्छा मतलब क्या कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ना ठीक है रीजन डायलॉग बिटवीन पेशेंट मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू हम फैमिली मेम्बर्स और पेशेंट को क्या कर सकते हैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और जो सुसाइटल प्रॉब्लम है उनको फैमिली मेंबर को था, का थाटफुल होना और फ्रैंक होना ठीक है इन सब चीज़ों से क्या हो सकता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ठीक है सो वी हैव डन जेनेटिक काउंसलिंग होप यू विल लाइक इट एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस थैंक यू